हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर फिर से व्हाट डू यू मीन बाय के सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एंटिटी कंसेप्ट। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी कंसेप्ट। ये एंटिटी कंसेप्ट बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं और सारे स्टूडेंट्स लोगों को, सभी लोगों को जो भी अकाउंट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उन लोगों को ये पता होना जरूरी है कि एंटिटी कंसेप्ट क्या है। तो हमेशा की तरह फिर से एक डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, मतलब एंटिटी कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू एंटिटी कंसेप्ट द बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटीज। बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, मैनेजर्स एंड अदर्स। देयरफॉर प्रोप्राइटर्स इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल invested by him in the business. It is applicable to all forms of business organization, that is proprietorship, partnership, company, blah blah blah. सीधी सी बात है, entity concept क्या बोलता है कि भैया आपका जो business है और जो मालिक है, proprietor है, दोनों एक नहीं है, दोनों separate है। Business एंड प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग सेपरेट यूनिट्स है। तो हम लोग अकाउंट्स किसका करते हैं, तो हम लोग अकाउंट्स करते हैं बिजनेस के बुक्स में, प्रोप्राइटर के बुक्स में नहीं करते हैं। प्रोप्राइटर क्या करता है, सिर्फ बिजनेस को पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। फिर बिजनेस ने बिजनेस किया, पैसे अर्न किए, अर्न करने के बाद प्रोप्राइटर यहां से प्रॉफिट ले रहा है। सिर्फ यही छोटा सा काम हो रहा है। मतलब सारा अकाउंट्स में सिर्फ ये देखा जाएगा कि बिजनेस और प्रोप्राइटर अलग अलग यूनिट होते हैं। कुछ भी अगर रूल्स एंड रेगुलेशन अगर लगता है अकाउंट से रिलेटेड, तो वो बिजनेस पे लगेगा, प्रोप्राइटर्स पे इंडिविजुअली नहीं लगेगा। तो एंटिटी कंसेप्ट बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है कि प्रोप्राइटर एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी। ओके, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि एंटिटी कंसेप्ट क्या है। फिर बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूं जिस सीरीज में मैं कंटिन्यू मीनिंग्स बताते जाऊंगा, एक एक करके बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मीनिंग्स बताते जाऊंगा, और जो कि आपके एग्जाम पर्पस के लिए, इंटरनल डेवलपमेंट के लिए, कमर्शियल फील्ड में बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।